नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं मितन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमें अपने जीवन में कामयाब होना है तो हमें ऐसे लोगों के बारे में जानना होगा जिन्होंने अपने जीवन में सफलता पाई हो। एक इंसान ने अपनी सोच, अपनी लगन, अपनी मेहनत से एक कमरे में अकेले एक कंपनी को शुरू किया और आज उसने उस कंपनी को बना दिया है 1.93 बिलियन डॉलर का। इस कंपनी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 15,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। दोस्तों, हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निर्मा ग्रुप के मालिक करसन भाई पटेल का। और 2010 के अंदर भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया है। करसन भाई का जन्म 1945 में मेहसाना गुजरात के अंदर हुआ और फिर उन्होंने 21 साल की उम्र में केमिस्ट्री में बीएससी की और फर्स्ट जॉब जो की वह की न्यू कॉटन मिल्स अहमदाबाद के अंदर। फिर उन्होंने एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट भी काम किया और डिपार्टमेंट का नाम था जियोलॉजी एंड माइंस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। करसन भाई को केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा लगाव था और काफ़ी ज़्यादा रुचि थी। इसकी वजह से होता क्या था दोस्तों, वह अपने घर पे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया करते थे आफ्टर ऑफिस आवर्स के, यानी कि शाम को जब वह अपने घर आते थे तो एक कमरे में बैठ करके कुछ ना कुछ केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट किया करते थे। और एक दिन उन्होंने बना लिया येलो कलर का वॉशिंग पाउडर। अब इस वॉशिंग पाउडर को जो था वह लोगों को घर पहुंचाना था, लेकिन करसन भाई तो जॉब करते थे, यानी कि मंडे से लेकर सैटरडे तक का टाइम उनका ऑफिस में निकल जाता था, तो बाकी बचा संडे। तो संडे के दिन करसन भाई अपने वॉशिंग पाउडर को साइकिल पर रखते और फिर उसके बाद घर घर जा कर के उसे बेचते। करसन भाई ने अपने वॉशिंग पाउडर की कॉस्ट रखी 3 रुपये पर केजी। उस जमाने में हिंदुस्तान लीवर का सर्फ आया करता था, उसकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट थी 13 रुपये, यानी कि यहाँ पर प्राइस का बहुत मेजर डिफरेंस आ गया, अप्रॉक्सीमेटली 10 रुपीज़, कहाँ 3 रुपये और 13 रुपये। इस वजह से क्या हुआ कि मिडिल क्लास के लोगों को करसन भाई का वॉशिंग पाउडर बहुत अच्छा लगा और करसन भाई को अपने प्रोडक्ट के ऊपर बहुत भरोसा था, जिसकी वजह से उन्होंने मनी बैक गारंटी भी दे दी, यानी कि लोग उसको यूज़ करें, अगर उनको पसंद ना आए तो उनको वापस कर दें और उसके बाद पैसे वापस ले जाएँ। करसन भाई ने 6 साल तक जॉब की, फिर उसके बाद जॉब छोड़ दी और अपने वॉशिंग पाउडर को अपनी बेटी का नाम दिया निर्मा। और निर्मा की टैगिंग लाइन थी सबकी पसंद निर्मा, जो लोगों को बहुत ही पसंद आई। करसन भाई को पता था कि अगर किसी प्रोडक्ट को चलाना है तो उसके लिए उसका एडवर्टाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करसन भाई ने अपनी कंपनी का प्रॉफिट एडवर्टाइजिंग में खर्च करना शुरू कर दिया, जिससे कि कंपनी लोगों के सामने रहे। उन्होंने बहुत सारे दीवालों पर पोस्टर बनवाए और फिर दीवालों पर पोस्टर लगवाए भी। और 1977 के अंदर रेडियो पर निर्मा का ऐड आना शुरू हो गया, फिर सिनेमा घरों में भी इसका ऐड आना शुरू हो गया और उसके बाद टीवी में। फिर क्या था दोस्तों, निर्मा जो था वह अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड बन गया और लोगों को बहुत पसंद आया क्योंकि यह चीप था। दोस्तों, करसन भाई ने एक कमरे से कंपनी शुरू की थी और उसे बना दिया 1.93 बिलियन डॉलर का और उसके साथ 15,000 एम्प्लॉय भी जुड़ गए। चलिए दोस्तों, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि करसन भाई की इस कहानी से हमने क्या क्या सीखा। नंबर वन, मेहनती होना। अगर किसी इंसान को कामयाब होना है तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी। करसन भाई मेहनती थे क्योंकि वह ऑफिस के बाद जब अपने घर आते तो एक कमरे में बैठ करके एक्सपेरिमेंट करते थे, तभी उन्होंने येलो कलर का वॉशिंग पाउडर बना लिया। और दोस्तों, संडे को अपने प्रोडक्ट को जा करके बेचा करते थे, यानी कि उनके लिए कोई छुट्टी मायने नहीं रखती थी क्योंकि वह हफ्ते में 6 दिन ऑफिस में काम करते थे और बाकी बचा संडे। तो संडे के दिन वह अपने वॉशिंग पाउडर को साइकिल पर रख करके घर घर जा करके बेचा करते थे। और नंबर टू दोस्तों, रिस्क लेने की काबिलियत होना। करसन भाई की गवर्नमेंट जॉब थी, उन्होंने रिस्क लिया, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी क्योंकि अगर वह चाहते तो गवर्नमेंट जॉब्स करके अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और बिजनेस चूज़ किया। ओके दोस्तों, नंबर तीन, अकेले काम करने की क्षमता। दोस्तों, करसन भाई अकेले ही काम किया करते थे, ये एक बेहतर एग्जाम्पल है वन मैन आर्मी का, क्योंकि वह रॉ मटेरियल खुद खरीद के लेके आते थे, रात को उसका फिर वॉशिंग पाउडर बनाते थे, फिर उसकी खुद ही पैकिंग करते थे और फिर उसके बाद खुद ही उसको सेल करने के लिए घर घर जाया करते थे। यानी कि एक इंसान पूरा का पूरा काम करता था, यानी ये वन मैन आर्मी वाला काम हो गया। तो करसन भाई में अकेले काम करने की क्षमता थी, जिसकी वजह से वह अपने जीवन में इतने कामयाब हो पाए। और दोस्तों, नंबर फोर पॉइंट,
बिजनेस के गैप को समझ लेना, अगर कोई भी बिजनेस करना हो तो उसके गैप को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। करसन भाई ने इसी गैप को समझ लिया, क्योंकि उस जमाने में हिंदुस्तान लीवर का सर्फ जो आता था वह 13 रुपये पर केजी था, लेकिन निर्मा जो था वह सिर्फ 3 रुपये पर केजी बेचा गया। यहाँ पर जो गैप था वह मनी का था, जिसकी वजह से मिडिल क्लास लोगों को करसन भाई का वॉशिंग पाउडर बहुत ही पसंद आया और जल्दी ही पॉपुलर हो गया। और नंबर 5 पॉइंट दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट को पब्लिक के सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और करसन भाई अपनी कंपनी का प्रॉफिट एडवर्टाइजिंग में लगाया करते थे, जिसकी वजह से कंपनी लोगों के सामने आई और उनका निर्मा वॉशिंग पाउडर बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया। दोस्तों यहाँ पर एक इंसान ने अपनी सोच, अपनी लगन, अपनी मेहनत से एक कंपनी जो एक कमरे में अकेले शुरू की थी उसे बनाया $1.93 बिलियन का, और उसके अंदर मैंने जैसा बताया कि 15,000 एम्प्लॉय भी काम करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ करसन भाई की यह मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोगों का दोस्त मितन गुप्ता।